रमेश रमेश क्या हुआ जी? रमेश सर बहुत दुख रहा है और घर में शक्कर भी नहीं है, चाय पीने का बहुत मन है। भाभी जी सर दबा दूं मैं? चाय में क्या रखा है? रमेश हर किसी बीमारी का एक ही इलाज नहीं होता, ये लो 100 रुपए, प्लीज शक्कर ले आओ, तब तक मैं शावर लेके आ प्लीज। अरे रमेश तुम कब आए? अरे भाभी जी अभी जस्ट आया, ये लिए शक्कर भाभी जी। अच्छा चाय तो पियोगे ना? अरे भाभी जी कैसी बात कर रही हैं, आप कहे और हम ना पिए चाय, पिएंगे ना भाभी जी। नॉटी बॉय, चलो आ जाओ अंदर आ जाओ। चाय बात बोलो, तुम सच में बहुत अच्छे हो, और एक वो है जिन्हें मेरी कोई चिंता ही नहीं, उन्हें तो ये भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी भाभी जिंदा भी है या मर गई, और एक तुम हो जो मेरी इतनी फिक्र करते हो। भाभी जी आप भी कितनी अच्छी हैं, कितनी खूबसूरत हैं, और आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं, और तो और भाभी जी बॉडी फिगर कितना मेंटेन कर रखा है, आप लगती नहीं कि शादीशुदा है। भाभी जी काश आप मुझे पहले मिली होती। इरादा क्या है? इरादा तो नेक है भाभी जी, क्या है भाभी जी? रमेश एक काम कर दो ना प्लीज, आप जो बनिए की शॉप है ना वहां से 5 किलो आटा ला। भाभी जी नौकर नहीं हूं मैं, आपका हमेशा कुछ ना कुछ खत्म ही होता रहता है।
आज चाय की पत्ती खत्म हो गई, कल शक्कर खत्म हो गई, परसों दूध खत्म हो गया, आज आटा खत्म हो गया। मैडम भाड़ा देता हूँ पूरा, फ्री में नहीं रहता हूँ यहाँ पे। अच्छा तो इसका मतलब अब तुम मेरा कोई भी काम नहीं करोगे? हाँ नहीं करूँगा। कोई भी नहीं? कुछ नहीं करूँगा। बहुत अच्छे, सब समझ में आता है मुझे। मतलब मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मुझे तुम्हारी जरूरत होती है, तो अब तुम मुझसे इस तरीके से बात करोगे? आपको जो समझना है समझो। अरे क्या हुआ भाभी जी, अरे कहाँ इस हरामी के मुंह लगते हो? अरे तो ऐसा ही है, 10-10 लौंडियां फांस रखी है इसने और हर लड़की से पैसे उधार लिए हैं, और जब मतलब निकल जाता है तो कट लेता वहां से। तू भी कोशिश कर रहा है। प्रकाश बस बस करो, एक काम करो, अपना सारा सामान उठाओ और मेरे घर से बाहर निकलो, समझे तुम? ठीक है। साले बद्दुआ लग रही है अपने नानी की। भाभी जी अरे जाने दो ना इसको, छोड़ो भूल जाओ। अरे ऐसे घटिया लोगों को याद नहीं रखते। क्या चाहिए आपको वैसे, हाँ बताइए ना क्या चाहिए? आटा लाना था। आटा लाना था? कितना आटा लाना है? 5 किलो। अरे मैं ला के देता हूँ आपको, अभी लेके आया। आपको जो भी चाहिए ना बस मुझे बता दिया कीजिए, 2 मिनट में लेके आ जाया करूँगा आपके लिए। ठीक है अभी लेके आता हूँ। भाभी जी, भाभी जी, अरे भाभी जी क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अरे मैं जानता हूँ भाभी जी आपको रमेश की बहुत याद आ रही है, पर छोड़िए ना ऐसे हरामी लौंडों के बारे में नहीं सोचते। बताइए आपको क्या चाहिए? आपको कुछ भी चाहिए मैं हूँ आपके लिए, और उसकी तरह आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। सच सच मैं हमेशा आपका साथ दूंगा।